हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कंपनी नेम सर्च कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप जानते हैं सबसे पहले हमें नेम यानी कि कंपनी का नाम रिजर्व करवाना होता है। अब ये आपके मन में कोई नाम है, आप चाहते हैं कि इस नाम से मैं कंपनी बनाऊँ, तो आपके सबसे पहले अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन जिसमें आप नेम रिजर्व करवाएंगे। इस एप्लीकेशन के साथ एक फ़ीस भी जाएगी। तो समझदारी का काम यह है, क्यों ना मैं एप्लीकेशन और फीस देने से पहले ही डिसाइड कर लूँ कि कहीं ये नाम किसी और ने तो नहीं ले रखा। क्योंकि अगर सेम नाम से पहले से कोई कंपनी है तो मैं उस नाम से कंपनी नहीं बना पाऊंगा। तो ये चेक कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे कि पहले से इस नाम से कौन कौन सी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, ताकि मैं अपना नाम सोच समझ कर डिसाइड करूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप अपने ब्राउज़र को चलाएंगे और ब्राउज़र में आप MC की वेबसाइट पर जाएंगे। MC यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। यहाँ पे आपको ऊपर वेबसाइट का देखिए URL भी दिख रहा है, www.mca.gov.in। MCA की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये आपको कुछ पोर्टल दिखेगा जहाँ पर जो मिडिल में MCA सर्विसेज हाईलाइटेड है, वहाँ जब देखेंगे आप तो देखिएगा आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ये वाला, ध्यान से देखिए, चेक कंपनी नेम। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा चेक कंपनी नेम। चेक कंपनी नेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कंपनी या LLP नेम दोनों ही आप चेक कर सकते हैं, और स्टार मार्क्ड यानी ऑब्वियस सी बात है कि हमें मिलता जुलता या एग्जैक्ट नेम तो डालना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ नेम डाल सकता हूँ, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ टाटा। हम जानना चाहते हैं कि टाटा नाम से कौन कौन सी कंपनीज क्या पहले से हैं, और अगर है तो किस किस नाम से है, कौन कौन सी है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया टाटा, ठीक है। टाटा टाइप करने के बाद यहाँ पर एक्टिविटी टाइप भी है, पर एक्टिविटी टाइप के साथ कोई स्टार नहीं है यानी कि मैंडेटरी नहीं है। तो आप एक्टिविटी टाइप नहीं डालना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप नहीं डालेंगे। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सर्च पर। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, देखिएगा, तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं देखिए, तो नीचे पूरी लिस्ट आ जाती है आपके पास। ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई है आपके पास कि टाटा नाम से कौन कौन सी कंपनीज हैं। ये देखिए टाटा एडवांस, साथ में इनका नंबर भी आ जाएगा, यूनिक नंबर जो होता है, इनकॉर्पोरेशन डेट्स भी आ जाती है, और आपके पास कंपनी नेम स्टेटस भी आ जाता है कि ये ऑलरेडी अलोकेटेड है, ठीक है। तो अब आपको पता पड़ गया कि टाटा टाटा ये जितने भी नेम्स हैं इस नाम से तो हम कंपनी नहीं बना सकते हैं। तो उसी बेसिस पर आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले वीडियोस में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कि ये जो नेम रिजर्वेशन वाली एप्लीकेशन है ये कैसे काम करती है। जैसे कि आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई दिखेगी आपको, रन रिजर्व यूनिक नेम। जी हाँ, इसे ही यूज़ करके हम कोई भी कंपनी का नेम रिजर्व करवा सकते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू गाइज अगेन, बाय।